चप्पा तहसील थाना शिवपुर को एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। पुलिस की गिरफ्त में आया महिला की हत्या का आरोपी नर्मदा परिक्रमा वासी का भेष बनाकर घूम रहा था। गत दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम भिलाड़िया खुर्द में उमेश हरिजन के घर के अंदर से एक महिला मृत अवस्था में मिली है, जिसकी पहचान गुड्डी बाई पति रिंकू ओझा निवासी शिवपुर के रूप में उसके परिजनों द्वारा की गई। गुड्डी करीब 3 साल से उमेश के साथ बतौर उसकी पत्नी रह रही थी। घटना के बाद से उमेश हरिजन फरार था। पता चला कि उमेश ने झगड़े के दौरान गुड्डी का गला दबाकर तथा जलाकर उसकी हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश जारी है। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी उमेश नर्मदा परिक्रमा वासी का भेष बनाकर आसपास के गांव में देखा गया है। ग्राम भिलाड़िया में पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस रिमांड पर न्यायालय में पेश भी किया गया है। दिनांक 26/1/18 को सूचना प्राप्त मिली थी, ग्राम भिलाड़िया में उमेश सर्जन के घर में एक महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना पर स्टाफ के साथ जाकर देखा तो उसके घर के अंदर एक महिला मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसकी पहचान उसके परिजनों ने गुड्डीबाई ओझा के रूप में की थी। मामले को देखते हुए मामला प्रथम दृष्टा मर्ग जांच के उपरांत हत्या का पाया गया था, जिस पर थाने पर अपराध धारा 302 बहादारी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मृतका गुड्डीबाई करीब 3 साल से आरोपी उमेश सज्जन के साथ पत्नी बनकर रह रही थी। उनका आपस में झगड़ा हुआ, जो अपने पूर्व पति के लड़के को उमेश सज्जन से जमीन उसके नाम पर करवाना चाहती थी। इस बात पर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उमेश सज्जन ने गुड्डीबाई की गला दबाकर और जलाकर हत्या कर दी थी और इसके बाद से फरार हो गया था। जो आज मुखबिर सूचना पर उसे भिलाड़ी घाट से पकड़ा गया, जो परिक्रमा वासी के भेष में वहाँ पर घूम रहा था, जो आज न्यायालय PR पेश किया गया। कैसे, क्यों, लड़ाई झगड़ा? किससे? बीवी से। फिर क्या किया था? मतलब पैसे मांगना, जमीन का हिस्सा करना। हाँ, इस वजह से। हाँ, लड़ाई झगड़ा। कैसे मारा? गलत है। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। 25 फरवरी को उत्कृष्ट विद्यालय बागली में लगने वाले जागरूकता से सशक्तिकरण अंतर्गत वृहद विधिक सेवा शिविर के लिए फ्री कैंप आयोजित किया गया। अब तक 1500 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वृहद विधिक सेवा शिविर 25 फरवरी को उत्कृष्ट विद्यालय बागली में लगने जा रहा है। इसके पूर्व प्री कैंप जनपद पंचायत भवन में आयोजित किया गया। जिला न्यायाधीश सरिता सिंह, न्यायाधीश चारुलता दांगी, आरती ढिंगरा और SP OP दिलीप जोशी सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। ग्रामीणों द्वारा शिकायती आवेदनों में प्रधानमंत्री आवास व शौचालय संबंधी शिकायतें अधिक संख्या में पहुंची। अब तक 1500 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें संबंधित विभागों को पहुंचाकर निराकरण के लिए भेजा है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गांव-गांव में घूमकर शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है।